हाँ तो दोस्तों पता है क्या, मेरे भाइयों, ये वाला ना वीवा है, पाई PI 9000 या पी पता नहीं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो PI 9000 पफ है ये, ब्लू रेज आइस करके 11 bar समथिंग है ये। तो इसको हम खोलेंगे किस लिए, क्योंकि इसमें डालना फ्लेवर है, इसका फ्लेवर का ब्लिंक आ रहा है। तो मतलब फ्लेवर वाली लाइट ना ब्लिंक करिए, मतलब फ्लेवर ख़त्म हो गया। आपको दिख रहा होगा कि मैंने तो इसको बड़े आराम से खोल दिया, बट इसको खोलने के लिए ना ऐसी चिमटी का इस्तेमाल करना चाहिए जैसी मैंने करी है। मैंने तो भाई ये चिमटी लगभग लगभग खुद ही बनाई है। तो और ये देख रहे हो ना, मैंने बहुत प्यार से और बहुत आराम से निकाला है ना, ऐसे ही आपको भी प्यार से और आराम से निकालना है भाई, नहीं तो भाई इसका एलिमेंट चला जाएगा, स्मोक आना भी बंद हो जाएगा, फ्लेवर तो आप क्या ही डालोगे। वैसे भाई देखने से लग रहा है ना इसका फ्लेवर जो है वो है इसमें काफ़ी, बट मैंने सोचा डाल देता हूँ थोड़ा सा, काम अच्छा करके दो कस्टमर को तो ज़्यादा सही रहता है। फ्लेवर बढ़िया है। हाँ, पड़े हुए हैं मैं एक लेकर आऊंगा। ठीक है। तो भाई पता है क्या, वो कोई कस्टमर आ गया था, फ्लेवर पूछ रहा था, तो बता रहा था ना उसको कितना पड़े हुए फ्लेवर, तो इसमें भी फ्लेवर ही रिफिल कर रहे हैं। तो भाई जैसे तुमने देखा ना, अभी थोड़ा सा फिर से रिटर्न करो, फिर से देखना कि जैसे मैंने नीचे से इसकी इसको चीर के, नीचे से हल्की सी कॉटन कटी होती है उसको नीचे से खोल कर फिर प्यार से उठा कर तब निकालना है, क्योंकि इसके बीच में आपको दिखेगा ना एक कॉटन का पाइप लगा हुआ होगा स्टील के पाइप के साथ में, वो सेंसर होता है, अगर वो हिल गया भाई तो समझो उसको फिर कर लो ये फ्लेवर रिफिल। कॉटन के साथ स्टील का पाइप दिख रहा होगा आपको, और जब तक मैं फ्लेवर रिफिल कर रहा हूँ ना भाई, मैं तो इसमें मल्टीपल फ्लेवर रिफिल कर रहा हूँ, ऐसे ही कुछ नया करता रहता ना, मज़ा आता रहता है। तो मैं थोड़ा सा प्रचार कर लेता हूँ अपना कि मोबाइल हो कंप्यूटर हो। तो भाई पता है क्या, मैं इतना प्रचार कर लेता हूँ जब तक इसमें मैं मल्टीपल फ्लेवर्स रिफिल कर रहा हूँ। तो मैं ना मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप टीवी स्मार्ट LCD LED या जो स्मार्ट नहीं होती उनको भी स्मार्ट करना, और भी लाइक कंप्यूटर्स लैपटॉप्स स्मार्ट वॉचेस एयरपॉड्स CCTV कैमरा ओके रिलेटेड अंकल। एंड लॉट ऑफ अदर एक्सेसरीज, जैसे जो सपोर्टिंग एक्सेसरीज होती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर की लैपटॉप की भी होती है, मोबाइल्स की भी आती हैं, पावर बैंक चार्जर हेडफोन्स एयरपॉड्स नेक बैंड, मैं सब कुछ रिपेयर करता हूँ। तो होम सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, जैसे लाइक ऑन साइड रिपेयरिंग, कोई कस्टमर कहता है कि भाई मेरे को आप यहीं पर आके हमारे घर पे आके सही कर सकते हैं क्या, तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई बिल्कुल सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, बट चार्जेस भाई मेरे हिसाब से होते हैं, क्योंकि यार मैं किसी के कस्टमर के यहाँ पर जब जाता हूँ ना यार, तो एक तो पहला तो भाई मैं पेट्रोल लगा के जाता हूँ, तो वो तो मेरे को पेट्रोल का पैसा सबसे पहले चाहिए, और उसके बाद भाई आई एम अ गुड गाय, अगर आपका काम होगा तभी पैसे लूँगा, नहीं होगा खोला बंद करा, उसके बाद आपने मना कर दिया कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा आप पैसे ज़्यादा मांग रहे हो समथिंग लाइक दैट, तो भाई खोलने बंद करने के चार्जेस अलग से दे देना यार, मेहनत थोड़ी तो करी है हमने भी। तो और उसके अलावा भाई अभी ऑन द वे है, कुछ फ्यूचर प्लान्स पे काम चल रहा है, जैसे अपने सपोर्टिंग मटेरियल्स होते हैं ना कंप्यूटर लैपटॉप के काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उस पर भी काम कर रहे हैं कि आपके लिए मैं क्या चीज़ नई ऐसी बना सकता हूँ जो आपको हेल्प करे, और वो सेल में काम करेंगे तो आप बाय कर सकते हैं। और हाँ अगर आप मेरे सेम स्टेट से या सेम सिटी से नहीं देख रहे हैं वीडियो, कहीं और से देख रहे हैं और आप मेरे से रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं, तो अगर मैं आपके ऑन साइड रिपेयरिंग लोगे तो भाई आपका तो बहुत खर्चा बैठा दूंगा मैं, लेकिन आप कुरियर भी कर सकते हैं कुछ भी, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर लैपटॉप TV साउंड सिस्टम CCTV कैमरा ब्लूटूथ पावर बैंक चार्जर एयरफोन्स नेक बैंड्स एंड स्मार्ट वॉच एयरपॉड्स, हाँ जी कुछ भी हो सब कुछ। देखो भाई मैंने जैसे कर दिया ना पैक, इसको फ्लेवर को जब मैंने लगाया ना, तो जैसे मैंने चीर के निकाला था ना वैसे वापस चीर के नीचे से वो वापस किसी मैसेज आ कस्टमर रहा के यहाँ पर गया हुआ है, आ रहा है आप बता दो। है, मतलब वो चीज़ यार बहुत सेंसिटिव होती है, वो टेढ़ी ना हो हल्के से कहीं से भी लेगी ना, और ये मैं गमिंग हल्की हल्की एक लगा रहा मिनट हूँ आ गया हल्की मैं। हल्की, ताकि आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, और ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा शायद से वैक्यूम क्लियर। देखो दोस्तों ये हो गया पैक, और आप कुरियर कर सकते हैं, अगर आपको कुरियर करना नहीं आता है
तो मैं कुरियर की भी मैंने एक वीडियो बनाकर डाली हुई कि कुरियर कैसे करते हैं, 10-5 मिनट लग जाएंगे उसको आने में। गाइस थैंक यू एंड कीप सपोर्ट भाई, सपोर्ट चाहिए तुम्हारा और कुछ नहीं।